यस सर, आपसे कोई मिस्टर अश्विनी मिलना चाहते हैं। भाई हम वही पुराने अश्विनी कुमार हैं, कोई अश्विनी नहीं। आओ अश्विनी आओ। दुनिया के बड़े रंग है राजेश्वर, बहुत बहुत मजेदार। एक ये कि अब हम भी एक बड़ी शिपिंग कंपनी खोलने वाले हैं, और तकदीर के चक्कर देखो तुम्हारे ऑफिस के ठीक ऑपोजिट वाली बिल्डिंग में ही हमारा ऑफिस तैयार हुआ है। हम चाहते हैं, बल्कि हमारी दिली ख्वाहिश है कि हमारे ऑफिस का उद्घाटन कोई खास बड़ा आदमी करे। और तुम चाहते हो वो उद्घाटन मैं ही करूं? बिल्कुल सही राजेश्वर, हमारे लिए तुमसे बड़ा आदमी और कौन हो सकता है। ये रहा हमारा कार्ड। क्या अच्छा नहीं लगा अश्विनी? अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी इस छोटी सी कामयाबी से मैं जल गया हूं, तो तुम गलत समझ रहे हो। मैं ये उद्घाटन जरूर करूंगा। ऑफिस तो बहुत शानदार बनाया है अश्विनी, लेकिन सिर्फ ऑफिस खुल जाने से शिपिंग कंपनियां नहीं खुल जाती। उसके लिए तो जहाज चाहिए, जहाज। और तुम जैसा सिर्फ 50 लाख का आदमी जहाज नहीं खरीद सकता, उसके लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए अश्विनी। राजेश्वर, वो करोड़ों रुपए भी चले आएंगे, कल एक जहाज की नीलामी है, हम उसे खरीदेंगे। मैं ये तो नहीं जानता कि वो जहाज तुम कैसे खरीदोगे अश्विनी, और इतना जरूर जानता हूं कि मैं तुम्हें वो जहाज किसी भी कीमत पर खरीदने नहीं दूंगा। वो तो बात कल की है, अभी तो जहाजों की दास्तान शुरू हुई है, अब देखिए कब और कहां जाकर खत्म होती है। जेंटलमैन, आप लोग यहां सूर्या जहाज को खरीदने के लिए जमा हुए हैं। जहाज तो आपने देख ही लिया होगा। इस जहाज को खरीदने के बाद आपको लगेगा कि आपने सोने को मिट्टी के भाव खरीद लिया है। हां तो जेंटलमैन, बोली शुरू होगी 2 करोड़ रुपए से। 2 करोड़ 2 करोड़ 2 लाख, 2 करोड़ 5 लाख, 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़ 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2 10 करोड़, 11 करोड़, 15 करोड़, 16 20, 25 करोड़। बोलिए जेंटलमैन, 25 करोड़, 25 करोड़ 1, 25 करोड़ 2, 25 करोड़ 3। आइए राजेश्वर साहब, कागजी कार्रवाई पूरी करें। कहिए किसके नाम का चेक कटना है? अश्विनी कुमार के नाम। कौन अश्विनी? अश्विनी शिपिंग कंपनी के मालिक। जहाज तुम्हारा था। मैं पूछ रहा हूं कि वो जहाज तुम्हारा था? उसे हमने भंगार की नीलामी में खरीदा था। अपनी अक्ल और दानिशमंदी की ताकत से हमने उसके थके हुए जिस्म को एक
नजर फरेब तन बदन दिया और उसके आगे तुम्हारा सर झुक गया और तुमने कीमत भरी 25 करोड़। तुमने कहा था राजेश्वर कि वक्त तुम्हारे जेब में है, तुम भूल गए थे कि ऐसी वक्ती जेबें कभी कभी कट भी जाया करती हैं। राजेश्वर, तुम जैसे जाहिलों की मंजिल सवाई तबाही के और हो भी क्या सकती है। हमें बहुत अफसोस होगा राजेश्वर, बहुत अफसोस होगा।